सीहोर के सिद्धिंगज में संगीतमय भागवत पुराण कथा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी राजेश शिडोरकर भी कथा में पहुंचे और वहां उन्होंने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण किया। सिद्धिंगज में कथा संत मिठुपुरा सरकार द्वारा सुनाई जा रही है। कथा में संत मिठुपुरा सरकार ने बताया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगता है, तब तक भगवान पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेकर पापियों का विनाश करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं गोपाल सिंह इंजीनियर ने कथा के दौरान कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को हर महीने लाडली बहना योजना में 1000 रुपए देगी, जिससे आप परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे। मेरा तो हमको 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, ऐसा नहीं है। आपको अभी 10 जून से प्रत्येक माता बहनों के खाते में पैसे आएंगे। मैं इन्हीं सब बातों के बोलने के लिए आया था और हमारे गुरुजी ने आपको 7 दिन से धर्म का लाभ की सारी गंगा बहाई। मैं हमारा यहाँ स्वागत किया गुरुजी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।